नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। आपके सामने टॉपिक दिख रहा है दृश्य कलाओं के मूल तत्व। कल के वीडियो में हम लोगों ने दृश्य कलाओं के मूल तत्व के थ्योरी को और 28 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 29 से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से फिर से अनुरोध करना चाहते हैं कि जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। बिना 1000 सब्सक्राइबर के कोई मतलब नहीं है। तो हम आप सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों में इसे शेयर कर दें, जिससे कि सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती रहे। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिविज़न कर लें। कल हम लोगों ने रेखा पढ़ा था। रेखा का मतलब ये है बिंदुओं का एक क्रम रेखा कहलाता है। रूप, हम किसी वस्तु को जिस आकार आकृति में देखते हैं वो रूप कहलाता है। उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो सकती है। रंग का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश का एक गुण है रंग। जब हम किसी वस्तु को जिस रंग में देखते हैं इसका मतलब ये है प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण करके वह वही रंग आपके सामने परिवर्तित करता है, रंग कहलाता है। अगला है पोत या बनावट। किसी वस्तु की धरातल बनावट या विशेषता को पोत कहते हैं, इसे अंग्रेजी में टेक्सचर कहते हैं। अगला फिर है पोत के तीन प्रकार हैं, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, सृजित पोत। तीन प्रकार के पोत हैं। आगे है अंतराल या स्पेस। कोई कलाकार जिस स्थान पे कोई चित्र बनाता है उसे स्पेस या अंतराल कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर चलते हैं। 28 प्रश्न तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है आधुनिक चित्रकार निम्न में से किस एक के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। हम लोगों ने दृश्य कला के 6 अंग पढ़े। 6 अंगों में आधुनिक चित्रकार सबसे ज़्यादा पोत के प्रति, पोत मतलब टेक्सचर के प्रति सबसे ज़्यादा सचेत रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है। जब कोई बात किया जाए क्रमानुसार जब बात किया जाए तो वहाँ पे अनुक्रम की बात की जा रही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रमानुसार होने से हम लोगों ने एक शब्द को की पकड़ बना के हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे अनुक्रम को ऑप्शन नंबर ए सही जवाब लगा रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं। निरंतरता की बात की जाए तो रिदम या लय की बात की जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जहाँ पर निरंतरता रहती है वहीं भी तो लय रहता है। जैसे कोई संगीत ही होती है, संगीत में एक लय होता है, निरंतरता होती है। 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। जब किसी आकृति की आवृत्ति बार बार होती है तो उससे एक प्रवाह उत्पन्न होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको कई प्रश्न पहली बार दिख रहे होंगे, लेकिन इस चैप्टर में 377 प्रश्न हैं। तो 377 प्रश्न होने के कारण ये सभी प्रश्न आपसे बार बार टकराएंगे, जिससे कि आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। मेरा यह दावा है कि आप जब एक बार इस पूरे वीडियो को देख लेंगे, मतलब पूरे चैप्टर के वीडियो को देख लेंगे, कई पार्ट में रहेगा ये, तो आपको सभी प्रश्न लगभग लगभग याद हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रश्न कई बार आपके सामने टकराएंगे। 33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है। अंडाकार आकृति लावण्यता का प्रभाव देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाता है। चित्र में विरोधाभास जहाँ आता है वहाँ पे ओज उत्पन्न होता है। हम व्याख्या को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कल पूरी थ्योरी को पढ़ा था।
जिनको लग रहा है कि हमको व्याख्या पढ़ना चाहिए तो वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलाने पर कौन सा पोत या पोत की किस श्रेणी का उदाहरण है। टेक्सचर तीन प्रकार के हम लोगों ने देखा था, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। प्राप्त पोत का मतलब ये है कि जहाँ पे प्राकृतिक वस्तु जैसे ही है उसी तरीके से उसका उपयोग किया जाए, जो चीज़ प्राकृतिक मिली हुई है वो प्राप्त पोत है। अनुकृत पोत में क्या होता है, कोई वस्तु जैसी है ज्यों का त्यों उसको उसी तरीके से उपयोग किया जाए तो वो अनुकृत पोत होता है। वही बात किया जाए सृजित पोत का, सृजित पोत मतलब आर्टिफिशियल होता है, हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, किसी चीज़ को अपने हाथों से बनाते हैं तो वो सृजित पोत होता है। तो यहाँ पे जल और पानी को मिलाना पड़ता है तो यहाँ पे सृजित पोत इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण के रूप में जाना जाता है। हम लोगों ने आखिरी पढ़ा था अंतराल को, अंतराल के ही बारे में बताया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है तथा सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन के नाम से इसको जाना जाता है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग इसमें सहायक है। ड्राई ब्रश स्ट्रोक का जो प्रयोग है वो तान तथा पोत के उत्पन्न करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 की ओर। 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, लावण्य सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप में उत्पन्न होता है। तो जहाँ पे बात किया जाए लावण सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव, यहाँ पे हमको एक ये प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और आएगा, दोनों में कन्फ्यूजन है। यहाँ पे देखिए अंडाकार आकृति दिया हुआ है, अंडाकार इसमें सही माना हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें 40 नंबर प्रश्न है वो, ये 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए इसने सही माना है। 38 और 40 में यही कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे ए नंबर को प्रश्न सही माना है और वृत्ताकार को सही माना है और वहाँ पे अंडाकार को सही माना है, यही दोनों में कन्फ्यूजन है। और दो प्रश्नों के उत्तर अंडाकार हैं तो अंडाकार ही हम मान रहे हैं, ठीक है, पाठ में भी अंडाकार ही सही माना है तो अंडाकार को हम लोग सही मानते हुए आगे चल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, पोत क्या है। पोत हम लोगों ने पढ़ा, पोत धरातल का गुण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा रूप आकार सौंदर्य लावण और सृजनात्मकता को दर्शाता है। वही बात है जो हमने प्रश्न उत्तर 38 में देखा था, तो इसका जवाब अंडाकार हम लोग लगाएंगे भले ही यहाँ पे वृत्ताकार है। अंडाकार और वृत्ताकार में बहुत तनिक अंतर होता है, वृत्त इस तरीके से होता है केंद्र से समान दूरी, जबकि अंडाकार इस तरीके से होता है केंद्र से परिधि की सभी जगहों पर समान दूरी नहीं होती है। प्रश्न संख्या 41 की ओर चलते हैं, पैटर्न क्या है। पैटर्न से यहाँ पे तात्पर्य है अलंकारिक आलेखन से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। रूप अथवा रंग समूह की वह व्यवस्था जो बार बार दोहराई जाए, अंकित वातावरण अथवा दृश्य की पद्धति को पैटर्न कहते हैं। 42 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 42 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक है। जहाँ पे रंग के हल्केपन या गहरेपन का द्योतक होता है तो वहाँ पे हम बात करते हैं तान की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तान मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, हल्के, गहरी और मध्यम।
43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? जहाँ पे दो डायमेंशन दिया हो उसे द्विआयामी कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई और अगर ऊंचाई की भी बात किया होता तो वहाँ पे त्रिआयामी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे द्विआयाम की बात की गई है, लंबाई और चौड़ाई की। हम आपके सामने जो दिख रहा होगा कागज, कागज दिख रहा होगा या फिर जिस पे आप चित्र बना सकते हैं, जिस पे आप लिखते हैं, वो द्विआयाम होता है, वो लंबाई और चौड़ाई में होता है। आपके कमरे की बात किया जाए तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। कोई घन हो, कोई बॉक्स हो, कोई बॉटल हो, कोई सिलेंडर हो, उन सब में तीन आयाम होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, तो वहाँ पे त्रिआयामी होगा। लेकिन यहाँ पे दो आयाम की बात की गई है, लंबाई और चौड़ाई की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्वर्ण विभाजन सिद्धांत को किसने स्थापित किया? यूक्लिड ने स्वर्ण विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया। विभाजन का मतलब यह है कि तीन प्रकार के विभाजन है, सम विभाजन, असम विभाजन और स्वर्ण विभाजन। सम विभाजन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को बराबर दो भागों में विभाजित किया जाए, सम विभाजन कहलाता है। असम विभाजन का मतलब यह होता है कि बराबर आकार में न काट करके कई भागों में विभाजित किया जाए, दो या दो से अधिक भागों में उसको बराबर आकार में न काटा जाए, तो उसे असम विभाजन कहते हैं। जबकि स्वर्ण विभाजन के सिद्धांत को यूक्लिड ने दिया, उसको कितने भी भागों में विभाजित किया जा सकता है स्वर्ण विभाजन के सिद्धांत के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, कला के मूल तत्व कितने हैं? कला के मूल तत्वों की संख्या हम लोगों ने 6 देखा है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन लिखा है और 7 दिया है, जो कि गलत है। 6 होगा, यहाँ पे लिखा भी है 6 तत्व हैं, रेखा, आकृति, रंग, तान, पोत, अंतराल। 6 मूल तत्व होते हैं दृश्य कला के। 46 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन कह रहा है, ललित कलाओं में प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, अब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है। कथन में कह रहा है, कल्पना, अब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है, जो कि सही बात है। इसी तरीके से आर कह रहा है, कला सृजन में कल्पना बिंब के निर्माण में सहायक होती है। अब्स्ट्रैक्शन का संबंध रूप की संरचना से तथा अभिव्यंजना भाव से संबंधित है। आर भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है। 47 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई दे रहे हैं? तो आप दर्शक हैं और इस घन में कितने तल देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे आपको सीधी तौर पे 3 तल दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे 3 तल दिखाई दे रहे हैं। पहला तल, दूसरा तल और तीसरा तल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 ही तल का एक बार में आप 3 ही तल देख सकते हैं। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सी वस्तु के धरातल का गुण है? धरातल का गुण पोत में होता है, पोत को ही हम लोग धरातल या टेक्सचर कहते हैं। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, रूप जो शक्ति, स्थायी तथा एकता को दर्शाता है वो क्या कहलाता है? अंडाकार, सॉरी आयताकार, आयताकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कई चित्र बनाए हुए हैं और इनसे क्या दर्शाता है ये बताया गया है। त्रिभुज के आकार, सबसे पहले चतुर्भुज का आकार है, चतुर्भुज में आयत का आकार है, आयत का आकार शक्ति, स्थायित्व तथा एकता का भाव प्रदर्शित करता है और वर्ग के गुणों के साथ इसमें सक्रियता का विशेष प्रभाव आ जाता है। जहाँ पे वर्ग आ जाएगा वहाँ पे सक्रियता आ जाती है। त्रिभुज के आकार में यह शाश्वतता, सुरक्षा तथा विकास का भाव प्रदर्शित करती है। गति और ऊर्जा के साथ ये पौरुष का भी प्रतीक है। जब त्रिभुज
त्रिभुज ऊपर की ओर हो, सीधा त्रिभुज हो, ये पौरुष को दिखाता है, विकास को दिखाता है। जब त्रिभुज उल्टा हो तो नारीत्व को दिखाता है और औन्नति को दिखाता है। अंडाकार की बात करें तो ये आकृतियाँ लावण्य, सौंदर्य, नित्यांत, सृजनता का भाव लाती है, जो कि प्रश्न संख्या 38 और 40 दोनों में सेम स्टेटमेंट था, लावण्य, सौंदर्य, नित्यता और सृजनात्मकता का भाव। तो 38 और 40 नंबर प्रश्न का रिफरेंस अगर यहाँ से लें तो हमको पता चलता है कि अंडाकार दोनों में सही जवाब होगा। वृत्ताकार की बात करें तो वृत्ताकार पूर्णता, आकर्षण, गति, विशालता, समानता का भाव लाती है, और इसमें पूर्णता के आकर्षण निरूप निरंतरता एवं गति होती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? जहाँ पे श्वेत और श्याम वर्ण का प्रयोग किया जाए उसे वर्ण शून्यता कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रंग का प्रयोग किया जाए उसे एकवर्णी कहते हैं, जहाँ पे एक से अधिक रंगों का प्रयोग किया जाए उसे हम लोग बहुवर्णीय कहते हैं। शून्य वर्णता या वर्णहीन योजना दोनों को श्वेत और श्याम रंग प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। एक मिनट जा भाई। हाँ, प्रश्न संख्या 51 की ओर चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, किन्हीं दो प्रधान रंगतों को, दो प्रधान रंगत हम लोग बात किए थे कल के बारे में, कल हम लोग बात किए थे रंगत के बारे में, वर्ण के बारे में। एक मिनट, रंग देखिए, रंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जब दो प्रधान रंग मिलते हैं, जब दो प्रधान रंग मिलते हैं तो द्वितीयक रंग बनता है। दो प्रधान रंगों के मिलने से द्वितीयक रंग बनता है, और प्रधान और द्वितीयक रंग मिल करके तृतीयक रंग बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो देखा था उस हिसाब से यहाँ पे द्वितीयक रंग सही जवाब हो जाएगा। किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आपको जो व्याख्या दिया हुआ है, तीन प्राथमिक रंग होते हैं और तीन द्वितीयक रंग होते हैं और तीन तृतीयक रंग होते हैं। प्राथमिक रंगों के मिलने से द्वितीयक रंग बनते हैं, द्वितीयक रंगों के मिलने से तृतीयक, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिलने से तृतीयक रंग बनते हैं। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। 52 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, एक समय में घन की कितनी सतह देखी जा सकती है? हम लोगों ने वो घन वाले चित्र में इसको देखा था कि एक समय में एक घन की तीन सतह देखी जा सकती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही प्रश्न अब तक में दो बार तीन बार आ चुके हैं, कई प्रश्न हैं ऐसे। तो जब 377 प्रश्न करेंगे हम लोग तो समझ लीजिए कितने बार रिपीट होंगे। तो ये हम गारंटी दे सकते हैं कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा है 377 प्रश्न को तो आपको जरूर कंठस्थ हो जाएगा और आपको फिर दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर। 53 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक घन नहीं है? अमरूद में तीन आयाम होते हैं, अमरूद में तीन आयाम होते हैं, और ये हम देखते हैं कि यहाँ पे ये घन नहीं है, जबकि ईंट, पुस्तक और बक्सा ये तीनों में लंबाई और चौड़ाई है, जबकि अमरूद में लंबाई और चौड़ाई का कोई यहाँ पे दृश्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि अमरूद सिलेंड्रिकल या स्फेयर के आकृति में होता है, एक गोल आकृति में होता है। ठीक है, उसे स्फेयर में हम लोग रखेंगे, गेंद की आकृति में रखेंगे, जबकि ईंट, पुस्तक और बॉक्स ये तीनों जो हैं ये आपके घन के आकार में आ जाएंगे। तो बक्सा कट, पुस्तक कट और ईंट कट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अमरूद इसका सही जवाब हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए और हम लोग 377 प्रश्न को
कर लेंगे, एक ही दिन में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आता है। चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप में बिंदु के आकारों में तोड़ता है क्या कहलाता है, उसे हाफ टोन कहते हैं। वह साधन मतलब हाफ टोन वह साधन है जो मूल सतत तान टोन के रूप में बिंदु के आकार में तोड़ता है, ठीक है, तो उसे हाफ टोन कहते हैं। यहां से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 55। पचपन नंबर प्रश्न कह रहा है कि ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है। जहां पे कंटिन्यूटी की बात आ जाए, समान रूप से बात हो जाए, रिदम की बात आ जाए, वहां पे लय आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पोत धरातल से संबंधित है, त्रिआयामी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, समानता से तान का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न आपसे कथन और तर्क के बारे में बात कर रहा है। कथन कह रहा है, कल्पनाशीलता कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है, जब तक कल्पना नहीं करेंगे तो कला कैसे बना पाएंगे। यहाँ पे ए सही है। आर की बात करें, कल्पनाशीलता मस्तिष्क की ऐसी विशिष्टता है जो विचारों और भावनाओं को दृश्य बिंबों में रूपांतरित करती है। कल्पनाशीलता के माध्यम से ही तो हम चित्र बनाते हैं, और चित्र जब बनाते हैं तो इसमें दृश्य बिंब बनाते हैं, तो यहाँ पे आर भी सही हो जाएगा। कल्पना के माध्यम से ही जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तभी इसको चित्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और ये ऑप्शन मिलता है आपको ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ से ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 57। असंबद्ध शब्द बताइए। असंबद्ध शब्द यहाँ पे क्या हो सकता है, मूर्ति यहाँ पे असंबद्ध है क्योंकि रेखा अनुपात और वर्ण ये सभी कला के तत्व हैं, ये सभी कला के तत्व हैं, जबकि मूर्ति कला का तत्व नहीं है, ये खुद एक कलाकृति है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। 58 नंबर प्रश्न कह रहा, स्थिर मुख आकृति होती है। स्थिर मुख आकृति हम लोगों ने वो व्याख्या देखी थी, एक मिनट हम आपको फिर से वहीं पे ले चल रहे हैं, ये आप लोगों ने यहाँ पे व्याख्या देखी है, एक मिनट आप लोगों ने यहाँ पे व्याख्या देखी है, मतलब आयत की, त्रिभुजाकार की, अंडाकार और वृत्ताकार की। तो यहाँ से हम लोग जब इस व्याख्या को पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेंगे, जैसे आयताकार में है ये शक्ति स्थायित्व एकता का भाव प्रदर्शित करती है, और वर्ग के गुणों के साथ इसमें सक्रियता का विशेष प्रभाव आ जाता है। त्रिभुजाकार में ये सात्वता सुरक्षा तथा विकास का भाव प्रदर्शित करती है, गति और ऊर्जा के साथ ये पौरुष को भी प्रदर्शित करती है। हमने आपको बताया जब त्रिभुज सीधा हो और जब त्रिभुज उल्टा हो तो उसके अलग अलग मायने होते हैं। अंडाकार में बात किया जाता है, ये आकृतियाँ लावण्य, सौंदर्य, नित्यता, सृजनात्मकता का भाव लाती हैं, लावण्य तथा प्रकाश प्रसार का भी विशेष प्रभाव इन आकृतियों से द्योतित होता है। वृत्ताकार में पूर्णता, आकर्षण, गति, विशालता, समानता का भाव प्रदर्शित होता है, और इनमें पूर्णता के आकर्षण, निरंतरता एवं गति होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा, स्थिर मुख जो होता है वो आपका अंडाकार होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामिति आकार का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग कोई बोतल बनाते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं क्या, त्रिभुज का बोतल से क्या मतलब है भाई,
कोई मतलब नहीं है। वृत्त का बोतल से वृत्त 2D है, तो 2D से हम 3D कैसे बना सकते हैं? नहीं बनेगा, वर्ग भी नहीं, 2D है। यहाँ पे बेलन ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये 3D है और बेलन की जो आकृति है वो बोतल की आकृति से मिलती है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जब अच्छा स्टूडेंट लाइफ में लोग एक रोचक कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में जब बेलन नहीं था, एक बार मतलब पार्टनर मतलब कि नहीं था, तो दूसरे के रूम में हम लोग बना रहे थे रोटी, तो बेलन नहीं था तो गिलास से ही बनाए थे रोटी को। तो वहाँ से एक रोचक तथ्य है तो आपसे शेयर कर दिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 60, 60 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने किनारे या पार्श्व दिखाई देते हैं? ये तीसरी बार ये प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आपके सामने ये प्रश्न तीसरी बार आ रहा है कि एक घन को एक बार में, एक घन के कितने पृष्ठों को एक बार में हम लोग देख सकते हैं? आगे क्या लिखा है, यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने बीचों बीच में हो, तो आपके सामने दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो, तो आपको कितने आकृति इसमें दिखाई दे सकते हैं? तो हम लोगों ने ये देखा, इसमें 3 बार ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जैसे कि हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, जब क्यूब को बनाते हैं तो इस तरीके से बना देते हैं क्यूब को। ये आपके सामने ये घन है और घन के आपको कितने पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं? अधिकतम एक बार में आप 3 ही पृष्ठ दे सकते हैं, पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ क्लॉकवाइज चलते हुए, तीसरा पृष्ठ। 3 पृष्ठ एक बार में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो देख रहे हैं आपकी एक ही प्रश्न कई कई बार आ रहे हैं आपके सामने, तो याद क्यों नहीं होगा भाई, याद तो हो ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। 61 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, चित्रकारी के विभिन्न कार्य क्या हैं? चित्रकारी के क्या क्या कार्य हैं भाई? स्मृति स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, बात सही है। जब कोई चित्र बना देते हैं तो हमारी स्मृति रहती है, उसको देखने के बाद वो हमारी मेमोरी में आ जाती है। कलाकृति के अध्ययन के रूप में हम लोग चित्रकारी को इस अभी कलाकृति का अध्ययन ही तो कर रहे हैं। स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। चित्रकारी के ये तीनों कार्य हैं, स्मृति के लिए भी, अध्ययन के लिए और स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में भी। 61 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सोडियम सोडियम विभाजन का सिद्धांत, 62 नंबर है ना? हाँ ये है, कह रहा है सोडियम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? सोडियम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को 2:3 के अनुपात में रखा जाता है। यहां से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। 63 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, स्वर्ण विभाजन का सिद्धांत सोडियम विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये प्रश्न दोबारा आ रहा है आपके सामने। अच्छा, एक बार उसका नाम आया था, यूक्लिड था, और दूसरी बार किस देश के थे वो पूछ रहा है आपसे। तो वो यूनान के थे, यूक्लिड साहब, उन्होंने सोडियम विभाजन का सिद्धांत दिया। अब देख रहे हैं ना, एक ही प्रश्न को लगभग रिलेट करके 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई कई प्रश्न 10 10 बार आपके सामने आएंगे। 64 नंबर प्रश्न अभिकथन और कारण से संबंधित है, विरेचन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है। सही बात है, विरेचन जो है वो कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है, ये सही है। आर की बात करें, क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताजा करती है, तो यहाँ से आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह
रहा है वह कौन सा तत्व है? देखिए, जहां जानना वहां नहीं, अपने मन का। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? जब आपके पास धरातल ही नहीं होगा, पोत ही नहीं होगा, तो आप कहाँ पे चित्र बनाएंगे? हवा में बनाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। बिना रंग के तो हम लोग पेंसिल से स्केच करके बना सकते हैं, रेखा के बिना भी बना सकते हैं, लेकिन बिना धरातल के कहाँ बनाएंगे? हवा में तो बनाएंगे नहीं चित्र। यहाँ से 65 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूची का मिलान करना है, आकृति आकृति का संबंध किससे है? आकृति, रूप, मान और एकता, ये तीन प्रकार के, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। आकृति का संबंध द्वि आयामी से होता है, 2D। इसी तरीके से रूप का संबंध 3D में हो जाएगा। मान का संबंध वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन, मान से संबंधित है फीकापन और गहरापन से। आपको हम बता दें कि एक स्ट्रिप होती है इस तरीके से, इधर श्वेत होता है, इधर श्याम होता है, श्वेत गहराता चला जाता है श्याम की ओर, एक लाल स्ट्रिप होती है, इसको स्लाइड करते हैं तो जो रंग प्राप्त होता है वही उसका मान कहलाता है। एकता का संबंध पूर्णता के प्रतीति और बोध से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। और 67 नंबर प्रश्न कह रहा है, चित्र में प्राण आता है, चित्र में प्राण रंग से, रेखा से और लय तीनों से आता है। यहाँ उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, जब तक उसके मार्ग में कोई अवरोध ना आ जाए वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं होता? ऑप्टिकल धरातल पर सफ़ेद रंग का कोई मतलब नहीं होता है, जबकि अन्य रंग बैंगनी, पीला और लाल रंग का महत्व होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 70 की ओर चलते हैं। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है इसके माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से मिलता है, रेखा के माध्यम से मिलता है, रंग के माध्यम से मिलता है, जबकि छाया, प्रकाश छाया से नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में सही टिक लगा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इतने पे ही रोक देते हैं। और हाँ, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो भैया प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सब्सक्राइबरों की संख्या 1000 हो जाए। मिलते हैं कल प्रश्न संख्या 71 के साथ, उसके आगे जितना भी हो पाएगा पूरा कवर करेंगे, ठीक है।